अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायमंड डव। डायमंड डव के हवाले से बात करेंगे कि इसकी केज साइज, डाइट, सॉफ्ट फूड, नेस्ट, कैल्शियम, ब्रीडिंग, मैच्योर एज, इंक्यूबेशन पीरियड और चिक्स की डेवलपमेंट एज, फ्लाइट की एज और रेस्टिंग पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके केज में। तो केज आप कोई भी ले सकते हैं, इसका एक बाई डेढ़ का भी ले सकते हैं, डेढ़ बाई डेढ़ का भी ले सकते हैं, दो बाई डेढ़ का भी, मतलब आप अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल ऑप्शन है इन तीन में से आप यूज़ कर सकते हैं डायमंड डव के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं इसकी डाइट पे। तो डाइट इसकी बेसिक सिंपल जो है, कंगनी और बाजरा मिक्स आप दे सकते हैं इसको, बजरी वाला भी फूड दे सकते हैं आप इसको फिंच वाला भी दे सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी चल ले। अगर आपके पास ऑलरेडी ये बर्ड्स हैं और उनका आपको दाना इस्तेमाल करें तो एक्स्ट्रा आपको दाने बनवाने की ज़रूरत नहीं, उसी का दाना आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट फूड पे। तो सॉफ्ट फूड में ये पसंद करते हैं पत्ते सब्जियों के, जिनमें आ जाती है पालक आपकी, साग, मेथी, लूसन, ये सारी चीज़ें बहुत शौक से खा लेता है ये। फिर बात करते हैं इसके नेस्ट पे। तो नेस्ट इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब फिंचज और बजरी इसकी तरह आपको मटकियाँ और बॉक्सेस नहीं लगाने पड़ते, ये ओपन नेस्ट बिल्डर है। तो वैसे तो मार्केट में इसकी बास्केट्स अवेलेबल होती हैं, अगर आपको नहीं अवेलेबल तो आप इसके लिए कोई भी पुराना बर्तन जाली का जो होता है वो लगा सकते हैं, या कोई भी पॉट अगर नीचे भी रख देते हैं उस पर भी नेस्ट बिल्ड कर लेगा। तो इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है नेस्ट नेस्ट का बंदोबस्त करना। तो उसके बाद बात करते हैं इसकी ब्रीडिंग पर। तो डायमंड डव जो है मेच्योर जो होता है 6 to 8 months में ना मेच्योर होता है, ब्रीडिंग एज में आता है। तो इसके बाद इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है एटलीस्ट 14 days। तो एग्स ये दो ही देता है, जिनकी इंक्यूबेशन पीरियड 14 days होता है, मतलब 15 days में आपके दोनों चिक एग्स हैच हो जाते हैं। चिक इसका एटलीस्ट 15 to 16 days में सेल्फ हो जाता है, दाना छाना खाना शुरू कर देता है, फुली डिपेंडेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं चिक्स को फ्लाइट केज किस टाइप का देना चाहिए। तो इसको ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं होती डायमंड डव को, तो लेंथ में आप कर सकते हैं 4 feet by 2 feet, 2 feet हाइट रख सकते हैं, गहरा जितना मर्जी हो जाए, जितना गहरा होगा उतना बेहतर होगा। और ये पसंद करता है फ्लोर पे मतलब दाना खाना, पानी इसको ओपन बर्तन में दें, बॉटल्स में इसको पीने में मुश्किल होती है। तो दाना पानी कोशिश कीजिए, अगर आप फ्लाइट में रख रहे हैं तो इनको ओपन बर्तन में दें, जिसमें ये शौक से खाता है, दाना गिराता भी है और फ्लोर से खाने का शौकीन है। तो उसके बाद रेस्टिंग पीरियड है, बात करते हैं इसके। तो बाकी बर्ड्स की तरह बजरी घास, लव बर्ड्स, कॉकटेल्स या कोई भी पैरट, उसकी तरह आपको इसको केज से निकाल के फ्लाइट में नहीं छोड़ना पड़ता, ये खुद ही अपने ब्रीडिंग केज में ही रेस्ट कर लेता है। कुछ ब्रीड्स के बाद महीना दो महीना रेस्ट कर लेगा, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप सेपरेट करें फिर दोबारा पेयर बनाएं इसका, वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन आज का यही था, होप यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो।